चल रहे हैं, जरा दर्शकों को बताएं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभी यहाँ पर दुल्हा 2 की शूटिंग चल रही है, जिसके निर्माता निर्देशक हैं आदर्श जैन जी। फिल्म के हीरो हीरोइन के बारे में बताएं, कौन हैं? और इस फिल्म में हैं आदित्य मोहन जी हैं, तनुश्री हैं, प्रीति मौर्या हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, मटरू जी हैं, मैं हूँ। आपका किरदार इस फिल्म में क्या है? इस फिल्म में हमारा किरदार है, हम एक ऐसे गांव के एक ऐसे युवा की भूमिका है हमारी, जिसमें उसका जो गांव में जितने भी आयोजन होते हैं, जो भी फेस्टिवल होता है वो अरेंज करता है, और उसके साथ साथ एक गांव का एक नाटक कंपनी है, वो हम लोग एक ड्रामा कंपनी चलाते हैं, और जो सामाजिक मुद्दे हैं अवेयरनेस के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, वो प्ले के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। सिनेमा भोजपुरी आजकल बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बन रही है, इस पर क्या कहना है? भोजपुरी अभी इसलिए भी ज़्यादा बन रही है कि अभी ऑडियो वीडियो सेटेलाइट का भी एक मार्केट बढ़ा है, तो एक पैसा अच्छा वहाँ से मिल जा रहा है। पारिवारिक फिल्में, अगर अच्छी फिल्में बन रही हैं तो ऑडियो वीडियो सेटेलाइट का मार्केट अच्छा हो गया है। उसके साथ साथ कई राज्यों से सब्सिडी भी मिल रहा है, जैसे अभी देखिए यूपी में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग चल रही है, क्योंकि फिल्म बंधु वहाँ सब्सिडी दे रहा है। हमारी भी एक फिल्म परदेश सेलेक्ट हुई है, और आपका झारखंड में भी मिल रहा है, उत्तराखंड में भी मिल रहा है, तो इसलिए लोगों की रिकवरी की उम्मीद बढ़ी है, इसलिए शूटिंग ज़्यादा हो रहा है। परदेश कब तक रिलीज होगी? परदेश तो अभी लॉकडाउन से पहले रिलीज हुआ था बिहार और यूपी में, उसके बाद लॉकडाउन के चलते सब बंद हो गए, थिएटर पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गया, तो उसमें हम लोग का भी कुछ नुकसान हुआ है। अब फिर से दोबारा से उसे जहाँ जहाँ फिल्म नहीं लगी है वहाँ लगाया जाएगा, और वेब कंपनी से उसका ऑडियो वीडियो रिलीज़ हुआ है, जल्दी वेब कंपनी उसे अपने चैनल पे भी रिलीज़ करने वाला है। भोजपुरी और कौन कौन सी फिल्में आ रही है? भोजपुरी में अभी एक रामाकांत प्रसाद जी डायरेक्टर हैं, और प्रोड्यूस किया है दिलीप सिंह राजपूत ने, लागल रहे राजा जी 2, वो बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन फिल्म बनी है, जिसमें मैं 2 भाइयों की कहानी है, जिसमें मैं बड़े भाई के किरदार में हूँ, एक विधायक की दबंग विधायक की भूमिका में। वो फिल्म बन के तैयार है, जल्द ही इस साल उम्मीद है कि वो भी रिलीज़ होगी। दुल्हा फिल्म के डायरेक्टर आदर्श जैन जी हैं, उनके बारे में कैसा संबंध रहा इस सिनेमा को लेकर के? आदर्श जैन सर बहुत पुराने इंडस्ट्री के, बहुत ही एक गुणी डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक हैं, और इससे पहले भी इन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं। बताशा चाचा अपने टाइम में इतनी हिट हुई थी कि हमारे जो भोजपुरी के एक बहुत ही मनोज टाइगर जी जो कामयाब कलाकार हैं, उनको लोग बताशा चाचा कहने लगे। पवन पुरवैया से पवन जी का बहुत ग्राफ अचानक बढ़ा था, तो और भी बहुत अच्छी फिल्में कर रहे हैं अभी, इनकी एक साथ 2 फिल्में शूट पे हैं, और आगे हम लोग अगला कश्मीर जाने वाले हैं फरवरी में। आपकी जो पहली फिल्म थी वो कब बनी थी और कौन सी हीरोइन थी? सबसे पहले आज से लगभग 18-19 साल पहले एक हमारी फिल्म बनी थी, पिया के घर प्यारा लगे, मैं उसमें सेकंड लीड में था, और वो अभी वेब ने रिलीज़ किया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्म है, ब्रजभूषण जी की पहली भोजपुरी फिल्म थी वो, उसमें जीनत हमारे साथ नायिका थी, और बहुत अच्छा है वो। फिल्म के अभिनेता आदित्य मोहन जी हैं, प्रीति मौर्या जी एक्ट्रेस हैं, क्या कुछ दोनों बारे में कहना चाहेंगे आप? दोनों बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भोजपुरी के मान सम्मान को और बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत अच्छे कलाकार हैं दोनों लोग, बस एक सुपरहिट की ज़रूरत है इनको। किसानी लाल की फिल्म बाप जी का आज ट्रेलर रिलीज हुआ है, और एक दिन में
10 लाख लोगों ने देखा है, तो कुछ कहना चाहेंगे खेसारी जी को? खेसारी जी तो हमारे भोजपुरी की शान है, उन्होंने जितना संघर्ष किया है हमारे ज़िले से ही हैं, एक ज़मीन से उठ के और इतना ऊपर तक गए हैं। उनके साथ भी हमें भी काम करने का मौका मिला था, लाल दुपट्टा मलमल का उनके बड़े भाई का किरदार था, तो वो तो बहुत हरदिल अजीज़ हैं, बहुत सम्मान करते हैं सबका। इतने ऊंचाई पे जाने के बाद भी जब भी मुलाकात हुई तो लगा नहीं कि इतने बड़े सुपरस्टार से मिल रहे हैं, बड़े सज्जन हैं। और एक और चीज़ है कि वो उनके दिल में भी सबके लिए प्यार है, जो गरीब लोग हैं, जो परेशान हैं, अगर उनको पता लगे तो दिल से उसकी मदद करते हैं। खेसारी जी के अभिनय और संगीत में, सॉन्ग में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? गायकी तो लाजवाब है उनका, बेमिसाल है वो। और हम ही को क्या, हमारे जो भोजपुरिया दर्शक हैं, बच्चे बच्चे को उनकी आवाज़, उनकी अदायगी, उनका अभिनय बहुत पसंद आता है। एकदम खाटी मिट्टी की जो आवाज़ है, जो मिट्टी का अनुभव, जो अभिनय है, एकदम प्योर भोजपुरिया जिसको कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं खेसारी जी। खेसारी से कोई इच्छा जो आप कहना चाहते हो जो अभी नहीं कह पा रहे हैं, वीडियो सेट कर सकते हैं? नहीं, खेसारी जी तो खुद ही बहुत समझदार हैं और वो जो चीज़ें कर रहे हैं अभिनय के साथ साथ, जो समाज की सेवा भी करते रहते हैं, जब भी बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कहीं आग लग गया, कहीं कोई परेशान हो, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। बस हम ये चाहते हैं कि उन्हें बीच बीच में वो विवादों में पड़ जाते हैं, तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो ऐसे लोगों को थोड़ा परेशान कर देते हैं, कि जो हमारे ये कलाकार हैं उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उन्हें किसी तरह से अपनी बातों से या अपने किसी भी काम से वैसे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये हमारे धरोहर हैं भोजपुरी के, चाहे पवन जी हों, खेसारी जी हों, दिनेश जी हों। थैंक यू सो मच सर।